मैं आर्टिकुनो तुम दोनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं जेबडोज हूँ सबसे बेस्ट। मैं मोल्ट्रेस तुम दोनों को जला के राख कर दूंगा। तो हो जाए मुकाबला, कौन है बेस्ट, लेट्स बिगिन। अरे रुको रुको यार, लड़ने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ ना कौन बेस्ट है। हे गाइस, जब भी हम लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन के ग्रुप दिमाग में आते हैं, जैसे कि लेजेंडरी डुओज, लेजेंडरी बीस्ट, लेजेंडरी बर्ड्स। पर यार उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है लेजेंडरी बर्ड्स। और यार आप लोगों को ये बात तो जानने की इच्छा होगी कि यार इन तीनों पोकेमोन में से बेस्ट पोकेमोन कौन है। तो यार टेंशन मत लो, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिल पाए सबसे पहले। सो गाइस, इस मैच में तीन राउंड होंगे जैसा कि आप लोग जानते हो। पहला राउंड होगा बेस्ट एट, दूसरा राउंड होगा एडवांटेज, तीसरा राउंड होगा कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहला मैच स्टार्ट करते हैं जो कि है बेस्ट एट का। तो आप बेस्ट एट साफ साफ देख पा रहे हैं कि तीनों पोकेमोन के इक्वल बेस्ट एट है, यानी कि 580 580 580 तीनों पोकेमोन के बेस्ट एट है। पर अब हमारे सामने आ चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि यार तीनों के बेस्ट एट बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये राउंड ड्रॉ होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इस राउंड का कोई ना कोई विनर तो होगा। चलो देखते हैं कि विनर कौन होगा। तो अगर हम एचपी को देखें तो तीनों के बराबर पॉइंट है, तो यार तीनों पोकेमोन को पॉइंट मिलेगा 111। अटैक को देखें तो यार मोल्ट्रेस के सबसे ज़्यादा है, तो मोल्ट्रेस को मिलेगा 1 पॉइंट। डिफेंस को देखें तो आर्टिकुनो को +1 पॉइंट होगा। स्पेशल अटैक को देखें तो जेबडोज और मोल्ट्रेस का 1 पॉइंट होगा। स्पेशल डिफेंस को देखें तो आर्टिकुनो का 1 पॉइंट होगा। और आखिरी में अगर हम स्पीड को देखें तो जेबडोज का 1 पॉइंट होगा। सो गाइस, आप साफ साफ देख सकते हैं कि यार तीनों के पास तीन तीन पॉइंट हो गए हैं, उसके कारण यार इस मैच का विनर कोई भी नहीं है। आप लोग ऐसे ही सोच रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब हम करेंगे माइनस मार्किंग, यानी कि अब करेंगे हम एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे आर्टिकुनो को, क्योंकि उसके पास अटैक बहुत ज़्यादा कम है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। आर्टिकुनो बाय बाय। अब बात करते हैं जेबडोज और मोल्ट्रेस की। तो इसमें यार मोल्ट्रेस जीत जाएगा, क्योंकि यार मोल्ट्रेस के पास से अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी अच्छा है और स्पेशल अटैक भी अच्छा है। तो यार बेस्ट एट का विनर है मोल्ट्रेस। तो यार मोल्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उसने जीत लिया है हमारा पहला राउंड। अब बात करते हैं दूसरे राउंड की, जो कि है हमारा टाइप एडवांटेज। टाइप एडवांटेज जो है उसके लिए हमको जानना होगा कि कौन सा पोकेमोन कौन से टाइप का है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकुनो की। आर्टिकुनो है आइस वाटर फ्लाइंग, और मोल्ट्रेस है फायर फ्लाइंग, और जेबडोज है इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग। तो ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जेबडोज ही जीतेगा, क्योंकि जेबडोज है इलेक्ट्रिक टाइप का। और यार सबसे पहले वो बाहर करेगा आर्टिकुनो को, क्योंकि आर्टिकुनो है वाटर एंड फ्लाइंग टाइप का, जिसके सामने यार जेबडोज आराम से जीत जाएगा। अब बारी आती है मोल्ट्रेस वर्सेस जेबडोज की। तो यार मोल्ट्रेस आराम से हार जाएगा, क्योंकि मोल्ट्रेस के पास एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं है। जेबडोज अपने एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव से मोल्ट्रेस को हरा देगा, यानी कि एक अटैक से नहीं, बहुत सारे अटैक से मोल्ट्रेस को हरा देगा, क्योंकि टाइप एडवांटेज है भाई। टाइप एडवांटेज से कुछ भी हो सकता है। अगर जिसके पास टाइप एडवांटेज है ना, वो तो समझ ही लो, अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, उसका लेवल अप है, तो यार टाइप एडवांटेज वाला ही जीतेगा। तो हमारे दूसरे राउंड का विनर है जेबडोज। सो गाइज, अब बात करते हैं तीसरे राउंड की, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यार इसका फैसला मेरे से ज़्यादा आप लोग कर पाओगे। अरे यार टेंशन मत लो, मैं आई कार्ड पर वोट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं वोटिंग पहले ही करा चुका हूँ। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि यार तीनों लेजेंडरी बर्ड्स में से कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो यार अब पता चलेगा कि कौन है विनर।
तो यार वोटिंग राउंड के विनर आ चुके हैं, यानी कि कौन कितना पानी में है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कौन कितना पॉपुलर है। तो यार आरती कुन्नू को मिले हैं 12% वोट, मॉल्ट्रेस को मिले हैं 13% वोट और जेबडोस को मिले हैं 75% वोट। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यार जेबडोस जीत चुका है। पहले राउंड का विनर था मॉल्ट्रेस, दूसरे राउंड का विनर था जेबडोस, तीसरे राउंड का विनर भी है जेबडोस। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से बेस्ट है जेबडोस, पर अभी जो न्यू बंदे आए हैं उनके हिसाब से कौन बेस्ट है उसको जानने के लिए मैं आई कार्ड में वोट रख रहा हूँ। तो आई कार्ड में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वोट करने के, आपको ऑप्शन मिलेंगे जेबडोस, आर्टिकुनो, मॉल्ट्रेस, इन तीनों में से कौन बेस्ट है। तो जाइए वोट कीजिए आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन आया। तो पिछले पोके क्विज के विनर आपके स्क्रीन पर है और आज का पोके क्विज है कि ये कौन सा पोकेमोन है। तो जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा पोकेमोन है। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।